हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको साइंस की तैयारी कराई जा रही है, जो लगभग एनटीपीसी रेलवे, रीट, ग्रुप डी और फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, स्टेट पुलिस, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साइंस की थ्योरी पढ़ाई जाती है और मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर क्लास ली जाती है। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर एक महत्वपूर्ण, तो मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। अब ये क्या होता है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज हम जी पढ़ेंगे। मैंने आपसे ये कहा था, यानी पिछली वीडियो में, ये कैपिटल जी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पूरा बताया था, इसकी वैल्यू बताई थी, इसका मात्रक निकालना सिखाया था, इसकी विमा निकालनी सिखाई थी, इसकी परिभाषा लिखाई थी, इसे पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। मैंने ये भी कहा था कि ये स्मॉल जी जो होता है, इसमें बहुत डिफरेंट होता है, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मुक्त पतन के बाद हम स्मॉल जी भी पढ़ेंगे, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं। इससे पहले, हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो मैं यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, लगभग इतना आपको समझाता हूँ कि उसके बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। तो मुक्त पतन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्री फॉल। तो पहले आप इस चीज़ को समझो कि मुक्त पतन क्या होता है। देखो, ये माना कि हमारा पृथ्वी है, हैं। अब इस पृथ्वी से कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान माना m, ऊपर से अगर हम इसको छोड़ें, या किसी वस्तु को यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो एक बात को समझना अच्छे से पहले, कि यदि मैं इस मार्कर को इस तरीके से उछालता हूँ तो ये ऊपर जाता है और इसकी ऊंचाई एकदम रुकती है वहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि अंतरिक्ष में चला जाएगा पार होके। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नीचे की ओर जो इसको खींच रहा है। मेरी ताकत इसको ऊपर भेज रही है और गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं, त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, जिससे पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण इस मार्कर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो मेरा बल जब तक इस पर कार्य कर रहा है तब तक ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है, और एक समय आता है जब वहाँ समथिंग, कुछ सम सेकंड के कुछ हिस्से तक ये रुकता है और उसके बाद नीचे आता है। हम इसको फेंकेंगे, फेंकने के बाद इसकी जब इसका वेग स्थिर होएगा, कम होता 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 होता, तो ये एक क्षण के लिए स्थिर होता है, उसके बाद ही नीचे आता है। तो जब यहाँ से कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाती है और ये यहाँ स्थिर हुआ, और स्थिर होने के बाद फिर ये नीचे दिशा में, नीचे की दिशा में जो ये गति करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति कर रहा है नीचे। तो यही गति क्या कहलाती है? मुक्त पतन कहलाती है। अब अगर मैं इस वस्तु को, माना ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक में h ऊंचाई पर है, ध्यान से देखना और समझना इस बात को, h ऊंचाई पर है, और इसको जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, तो आप जानते हो किसी वस्तु को, इस मार्कर को मैं यहाँ से छोड़ूंगा, यहाँ से हाथ पर मैं इस तरीके से छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर इसका वेग क्या है? अभी मेरे हाथ में जब है, प्रारंभिक वेग क्या है इसका? जीरो। अभी गति में थोड़ी है, मैं छोड़ूंगा तब गति में होगी ये, और नीचे आते आते इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो होता क्या है, प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो हो जाता है, और जो अंतिम वेग होता है, जिस वेग से ये नीचे आ रहा था, इसमें क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन वेग में जब होता है तो उसी को हम त्वरण कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है मैंने आपको केवल अभी समझाया है, अब हम इसको नियमानुसार परिभाषा के तौर पर मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे देखना ध्यान से। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन या उसके प्रभाव में गति करे या गतिमान हो, तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। तो इसको अपन लैंग्वेज में लिखते हैं, जब कोई वस्तु
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन या प्रभाव में गति करे। तो अब ये ध्यान रखना कि गति करे तो ये गति केवल नीचे की ओर ही होगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर थोड़ी भेजता है किसी वस्तु को, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करे, यानी वो क्या करे, ये पृथ्वी है तो कोई वस्तु, ये वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वो नीचे की ओर गति करेगी, हैं, गति करे तो जब वो गिरेगी नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करेगी तो बिल्कुल फ्री होगी, फ्री स्थिति में गति होगी उसकी, और उसका वेग निरंतर क्या है, समय के साथ जब तक वो पृथ्वी पर नहीं आ जाती बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उसे मुक्त पतन या फ्री फॉल कहा जाता है। तो उसे मुक्त पतन या इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्री फॉल, मुक्त पतन कहा जाता है। तो अब ये बात आप समझ गए कि मुक्त पतन क्या होता है, मैंने आपको जो समझाया था। तो मैं इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज में लिखता हूँ कि जब ये देखो आप, ये मैंने यहाँ बनाया है, ड्रॉ किया है एक डायग्राम छोटा सा आपको समझाने के लिए। ये एम द्रव्यमान की वस्तु नीचे की ओर जब आती है तो उसमें क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग यहाँ यू बराबर जीरो होता है, और अंतिम वेग उसे कहते हैं जो हम बीच में जब वो गति करती है उसकी गति में बढ़ती जाती है और वो पृथ्वी पर पहुंच जाए, वो अंतिम वेग होगा उसका। तो v में क्या होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा, है, और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब यहाँ जो त्वरण होता है इसको a से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो त्वरण उत्पन्न होगा इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण g कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ लैंग्वेज के तौर पर, मुक्त पतन, मुक्त पतन के प्रभाव में वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो होगा, है ना, u बराबर जीरो होगा आप जानते हो, और जैसे जैसे पृथ्वी की ओर नीचे आती है वस्तु, जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है उसके वेग में परिवर्तन होगा, होगा क्यों, क्योंकि उसकी गति क्या है, समय के अनुसार बढ़ती जा रही है, वो जैसे जैसे नीचे आ रही है गुरुत्वीय प्रभाव में क्या हो रहा है, उसकी गति में वेग में परिवर्तन आ रहा है और उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और ये परिवर्तन त्वरण कहलाता है, क्योंकि आप जानते हो परिभाषा है, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, है ना, अर्थात त्वरण उत्पन्न होगा, होगा ना, लेकिन कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, अतः ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, अतः ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहलाता है। तो बात आपके समझ में आ गई कि स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी भी एक त्वरण है जो जब कोई वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नीचे की ओर गति करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहता है, और जैसे जैसे वस्तु गतिमान होती है वैसे वैसे उसकी गति में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, और इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये गुरुत्वीय बल के प्रभाव में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या कहा गया, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा गया है।
और इसे किससे, स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है ना, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहलाता है, ठीक है। अतः यह मुक्त पतन से उत्पन्न त्वरण है जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, ये भी आप लिख लो। अतः ये मुक्त पतन से उत्पन्न त्वरण है, ये त्वरण किससे उत्पन्न हुआ, मुक्त पतन से उत्पन्न त्वरण है, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। अब आपके पूरी बात समझ में आ गई कि मुक्त पतन क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आ गई बात समझ में, यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ मैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए मुक्त पतन की परिभाषा ये हो गई, यहाँ तक मुक्त पतन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, गुरुत्वीय त्वरण ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। मुक्त पतन के प्रभाव में वस्तु प्रारंभिक वेग उसका जीरो होता है, जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है उसके वेग में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन त्वरण कहलाता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न होगा। अतः ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, क्योंकि ये मुक्त पतन से उत्पन्न त्वरण है, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। ये आपके गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हो गई। आइए अब आगे की ओर देखते हैं और आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान, स्मॉल जी का मान जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो कैसे आता है, हम उसको उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको प्रूव करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वो 9.8 कैसे कैलकुलेट हुआ है। इससे पहले मैंने कैपिटल जी, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, तो उसकी जो उसका फॉर्मूला था F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, पिछली वीडियो में आप जाके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा है। और उसके बाद का टॉपिक यह है जो मैंने कहा था, वो आज चल रहा है, ठीक है। आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है, तब उस पर लगने वाला बल F गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, मैं इसी चीज़ को आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये माना पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, और माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान हम M मान लेते हैं, कैपिटल M, और इससे ये पृथ्वी की सतह हो जाएगी, आप जानते हैं ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये सतह, और इससे h ऊंचाई पर एक कोई अन्य वस्तु रखी हुई है, इसका द्रव्यमान हम कैपिटल M की जगह स्मॉल M मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि दो द्रव्यमान थे ना, एक पृथ्वी का और एक वस्तु का, तो हम M1 M2 लिखते थे सूत्र के अंदर, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने कैपिटल M मान लिया, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल M मान लिया, वस्तु का केंद्र ये यहाँ रहता है और वस्तु का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र यहाँ रहता है, और यहाँ से इस वस्तु की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है उसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया, स्मॉल h मान लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी पृथ्वी की r, स्मॉल r की जगह इसको भी हमने कैपिटल R से दिखा दिया, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई सतह से h ऊंचाई पर, वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। जब वस्तु को यहाँ से छोड़ा जाएगा नीचे की ओर, तो वो मुक्त पतन की अवस्था में, फ्री फॉल की अवस्था में नीचे की ओर गिरेगी, और नीचे की ओर क्यों गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है, तो इस वस्तु पर लगने वाला जो बल है
वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो ये लगने वाला बल F है, ये वस्तु पर लगने वाला बल F किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। और हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर जो ये बल लग रहा है, इसको हमने पिछली वीडियो में ही जनरेट कर लिया था, वो क्या होगा, जी एम वन एम टू अपोन आर स्क्वायर, यही हमने जनरेट किया था है। अब थोड़ी देर के लिए देखना आप ध्यान से, लगने वाला बल F किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो के अंदर, इसीलिए उसके बाद की चीज़ें मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अब इस सूत्र से हम क्या देखते हैं कि ये बल जो है F, जी अपनी जगह पर रहेगा, सार्वत्रिक नियतांक है, एम वन की जगह मैं कैपिटल M रख दूंगा क्योंकि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल M रख दूंगा। और ये R जो है, अभी ये जो त्रिज्या है, अब इसमें ये बोला गया था कि त्रिज्या के दूरी के वर्ग के बराबर, पिछले जो वीडियो पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ देखो, यहाँ वस्तु के केंद्र से लेकर के पृथ्वी के केंद्र से लेकर वस्तु के केंद्र तक की बीच की दूरी देखो, ये तो R, और ये यहाँ से यहाँ तक H, तो इस R की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, ये बात पहले समझो आप। वस्तु जब नीचे की ओर आ रही है तो उस पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से ये जी यही का यही, और M1 द्रव्यमान जो पृथ्वी का है उसे हम कैपिटल M मान लेंगे, आपको समझाने के लिए कैपिटल M, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल M ये रहा, और दूरी क्या होगी, केंद्र से वस्तु के केंद्र के बीच तक की दूरी होगी, तो R तो यहाँ तक सतह तक पृथ्वी की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी H, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के केंद्र की दूरी लिखी है हमने ये। अब एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लो कि ये ER यानी अर्थ रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400, कितनी होती है 6400 किमी किलोमीटर में, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी, इसको अगर आप लिखना चाहो तो 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर हो जाएगी ये, हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो, ये तो पृथ्वी की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, अर्थ ऑफ रेडियस, ठीक है, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ। अब इसके बाद देखो, एक बात ध्यान से समझना कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसका त्रिज्या भी बहुत बड़ा है, और ये जो ऊंचाई है, जैसे अभी हम भी पृथ्वी पे खड़े हैं तो मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूंगा तो पृथ्वी की सतह पे गिरेगा ये, तो पृथ्वी की सतह से ये दूरी कितनी है, थोड़ी सी है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बहुत बड़ी है। तो यहाँ से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसकी तुलना में, H की तुलना में होगा, क्योंकि आप भाई इंसान की हाइट कितनी है, सपोज करो आप इंसान की हाइट कितनी है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट 10 फीट हैं, आप अपनी छत से भी इस मार्कर को फेंकेंगे तो छत से पृथ्वी की सतह की दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, उसकी अपेक्षा बहुत नगण्य मान है ये, तो हमने इसको बहुत नगण्य मान मान लिया, यानी छोटा मान मान लिया है, तो ये R की तुलना में बहुत छोटा है, यानी आप इस H को लिखो या ना लिखो ये इतना छोटा है, इतना छोटा ही है। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, F बराबर इसी चीज़ को जी एम है, और ये स्मॉल m बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो इस तरीके से हमने यहाँ से इसको लिख दिया आर स्क्वायर, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब देखो अब क्या होता है, द्वितीय नियम से
गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से आप जानते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आगे क्या देखेंगे, न्यूटन के या बल के द्वितीय नियम से, और द्वितीय नियम क्या है, एफ बराबर एम ए है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है द्वितीय नियम। लेकिन ये द्वितीय नियम होता है, हैं, जिसमें त्वरण ए लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जो त्वरण उत्पन्न हो रहा था, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत हो रहा है, गुरुत्वीय बल के प्रभाव। तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ और इसके प्रभाव में जो त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम इस ए की जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ये याद रखना, आप इस चीज़ को समझ लेना है कि ये जी क्यों लिख रहा है, क्योंकि वस्तु मुक्त पतन में है, क्योंकि वस्तु मुक्त पतन में गतिमान है, इसलिए ए की जगह त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ जी, स्मॉल जी, अभी समझाया था मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे समीकरण दो डाल देंगे हम। अब देखिए, समीकरण एक और दो से बल के मानों को हम बराबर करेंगे, ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, यहाँ एफ की वैल्यू ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, और एफ बराबर एम जी, यहाँ बल का मान एफ बराबर एम जी, तो ये भी एफ का मान हो गया एक, और ये भी एफ का मान होता है समीकरण दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ध्यान से देखना, एम जी जो है इस बल का मान, यही मान बराबर किसके होगा, कैपिटल जी स्मॉल ए कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। और आप जानते हो पक्षांतरण का ये नियम है कि बराबर के इसके नीचे मैं एक लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, इस एम से ये एम कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से स्मॉल जी का मान, ये स्मॉल जी का मान क्या बचेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ जी बराबर क्या है, यहाँ जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको 6.67 इंटू 10^-11 है, अच्छे से पढ़ाया मैंने उसमें, पिछली वीडियो देख लेना। और ये आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब चीज़ें मैंने लिख दी आपको हैं। अब इसके अंदर हम जब मान पुट करेंगे, कैसे, देखिए स्मॉल जी बराबर, इस जी का मान क्या लिखाया था मैंने आपको, 6.67 इंटू 10^-11, और एम जो ये द्रव्यमान होता है पृथ्वी का, इसका मान लिख लो इंटू 6 × 10^24 है, 6 × 10^24 है, ये इसका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, इसको भी लिख लेना, अर्थ ऑफ मास यहाँ पे करके लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थ ऑफ मास कितना होता है, 6 × 10^24 है ना, ठीक है। तो देखो ये इसका मान रख देंगे हम कैपिटल एम का, और आर का मान क्या रखेंगे, अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको, ये आर का मान है, रेडियस बताया था ना, 6.64 इंटू, और इंटू ये 10^6 है, मीटर में होता है ये भी, तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यानी एक बार अपन ऐसे ही लिखेंगे। और जब इन मानों को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हम कैलकुलेशन या इसकी सोल्व करेंगे, तो यही मान आपका जी बराबर क्या आता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमने उत्पन्न किया,
यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप ये समझ गए कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन में जब कोई वस्तु ऊपर से गतिमान होती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गतिमान होती है, उसके अधीन गतिमान होती है, और उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है u बराबर, और जैसे जैसे वो नीचे की ओर आती है उसके वेग में बढ़ोतरी होती है। तो जब वो मुक्त पतन की अवस्था में गतिमान होती है पृथ्वी की ओर, तो उस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है, जो गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत होता है। और जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है, समय के साथ उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसे त्वरण कहते हैं। लेकिन ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। अब स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, हैं। तो अब हमने इसको, इसके मान को कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने उस वस्तु पर लगने वाला जो बल था F, वो सार्वत्रिक नियतांक वाला जो हमने नियम क्रिएट किया था वहाँ से ये लिखा हमने पहला सूत्र, हैं। फिर इसकी जगह हमने आपको पूरा वीडियो में समझा दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ है, और इस तरह से जाके हमने गुरुत्वीय त्वरण जी को उत्पन्न किया और उसके मान की गणना की है। तो इस तरह से आप आज की वीडियो में, आपको यहीं तक ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है गुरुत्वीय त्वरण का भी। मिलते हैं इसके बाद नए टॉपिक के साथ या किसी नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज करना और फिर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ रहे तो कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय।